मध्य प्रदेश के बड़वाह में कुल कोरोना अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। यह 15 तारीख तक चलेगा। अभियान के तीसरे दिन शुक्रवार के दिन जिला पंचायत सीईओ गौरव वेनल ने बड़वाह जनपद पंचायत सभागृह में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक में डॉक्टर अनुज कारखुर द्वारा अभियान के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर सीईओ ने नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं जिला पंचायत सीईओ ने सबसे पहले कारखुर से पूछा है कि दो दिन में टीम ने कितने घरों में सर्वे किया है, कितनों की एंट्री हुई है, सर्दी खांसी बुखार के लक्षण कितनों के मिले हैं। तो वहीं इसके जब जवाब सही नहीं मिले तो उन्होंने जमकर फटकार भी लगा दी है। वहीं इस दौरान देखा जाए तो बैठक में एसडीएम मिलंडो के डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान, सीईओ बाबूलाल तंबर, सीएमओ हरिराम सिंधिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वाह से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। अभियान हो रहा है, इसके तहत अधिक से अधिक जो अगर कोई संभावित मरीज लगता है लक्षण वाला कोरोना का, उसकी पहचान करने के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला, आंगनवाड़ी का अमला और बाकी मजिस्ट्रेट और पूरा अमला इसमें लगा हुआ है। तो उसी के संबंध में ये निर्देश थे और बैठक थी कि किस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो क्योंकि कुछ टाइम में यहाँ पे केसेज आए हैं बड़वाह में, सनावत में, तो इसलिए बैठक हमने यहाँ पे ली और जो सिस्टम है वो ठीक है, रन कर रहा है और अधिक से अधिक लक्षण वाले व्यक्ति सर्वे करके हमारी जो आंगनवाड़ी टीम है वो निकालेगी, एएनएम उसका परीक्षण करेगी, एक मेडिकल मोबाइल यूनिट होती है एमएमयू, वो भी उसका परीक्षण करेगी और वो लक्षण निकाल के व्यक्ति का उसका सैंपल के लिए उसको भेजेगी। तो उसका सैंपल लिया जाएगा और अगर पॉजिटिव आएगा तो जैसे आगे प्रोटोकॉल है वैसे उसमें कार्रवाई होगी।